दोस्तों नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे खुश हैं, माँ बाप का ख्याल करेंगे, जो माँ बाप में तो सभी खुश है। बहुत जल्दी में हम लोग चलिए स्टार्ट करें बस। अच्छा हम जल्दी में थे ना, तो मैं सलाम कर लेती हूँ खाली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो का टाइटल है माय होल फैमिली इन इंडिया, इंडिया इज मोस्ट सेफ फ्रॉम मुस्लिम्स। मेरी पूरी फैमिली इंडिया में है और मुस्लिम सेव इंडिया में। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सिंध से कुछ लोग यहाँ से एक दो साल पहले इंडिया गए थे, और बाद में आपकी मीडिया के थ्रू से हमें पता चला कि उनकी बहुत हालत ख़राब है, उनको वहाँ कैंपों में रखा गया है और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा इंडिया में, और वो यहाँ से चले गए थे माइग्रेट करके, हिंदू ही थे। हमारे वहाँ पर रिलेटिव्स रह रहे हैं, वो बताते हैं कि हम सेफ हैं वहाँ पे, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर, लेकिन हम तो सुनते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। इंडिया में मैं दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, मेरी मम्मा के दाद के हैं सारे, लेकिन ठीक है, खुश हैं। हमारी उनसे रोज वीडियो कॉल पर बात होती है। सब मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर उनकी होली आती है तो ये मनाते हैं, अगर इनकी ईद आती है तो वो भी साथ मनाते हैं। अगर हमें दूसरे ममालक में जाएं तो हमें कोई ऐसी आज़ादी नहीं मिलती। जो अमेरिका लगा लें, कोई भी मुल्क में लगा लें, वो पाकिस्तान से खौफ ज़्यादा है, इनकी वाम से खौफ ज़्यादा है, तो वो हमें दहशतगर्द समझ लें, लेकिन हम लोग हैं नहीं। हिंदू के साथ तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे किसी पैगंबर की औलाद ही नहीं है ना, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो तो हमारे पैगंबर की औलाद है, उन पर तो एक किताब आई हुई है। आपका नाम? मुबीन इकबाल। करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन में आते ही है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन है तो इस्लाम के नाम पे, बट हमारे कायद ने कहा था कि यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जितने भी दूसरे मजहब के लोग हैं, वो भी आज़ादी से रहेंगे। आज अगर हम बात करें आज़ादी की, तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं, जितनी भी हैं, वो सब आज़ादी से रह रही हैं? जी रह रही हैं। क्यों नहीं रह रहे? हमें अपनी अक्सरियत में देखें तो सिख वगैरह को कुछ नहीं हम लोग कहते, वगैरह हमारे दोस्त भी है, हमारे साथ जॉब करते हैं, लेकिन हमें दूसरे ममालिक में जाएं तो हमें कोई ऐसी आज़ादी नहीं मिलती। जो हम ममालिक में नहीं मिलती आपको आज़ादी? जैसे अमेरिका लगा लें, कोई भी मुल्क में लगा लें, वो पाकिस्तान से खौफ ज़्यादा है, इनकी वाम से खौफ ज़्यादा है, तो वो हमें दहशतगर्द समझने, लेकिन हम लोग हैं नहीं। हम मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, जैसा हमने उनके मजहब को प्यार दिया हुआ है, हमें भी बाहर के मुल्क वाले जारी बात है प्यार दें। कोई किसी को दहशतगर्द के छोटी बात तो नहीं है ना? अगर हमें कोई सारे मिलके दहशतगर्द कहते हैं तो हमें प्रूफ देना चाहिए हम नहीं है। क्या हमने 76 सालों में कभी प्रूफ किया है कि हम दहशतगर्द नहीं है? जी प्रूफ दिया हुआ है। तो फिर आज तक लोग क्यों कहते हैं हमें, दूसरे ममालिक क्यों कहते हैं? इवन अभी तो लास्ट टाइम हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, क्या कहते हैं, इस्लामिक, उसने भी कहा था कि ये दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान से निकलती है। पाकिस्तान तो हमेशा, अभी ईरान ने हमला किया, हमला किया, जा रहे थे, क्या बात कर रहे हैं, हमला किया, हमने भी अटैक किया है। वही ना प्यार, ये हमारा प्यार है, हमारा प्यार है कि भाई उसने हम पे अटैक किया, हमने उस पे अटैक किया, तो हम कह रहे हैं हमने प्यार किया है। नहीं यही ना, वो जरूरी तो नहीं होता कि उनको मतलब के ज्यादा बताएं आप। हमने भी अटैक किया, बराबर का जवाब दिया। जवाब तो हमने बराबर का दिया, लेकिन फिर भी हमने वो बात उनकी मान ली है मुल्कों की। हम बहुत अच्छी चीज़ है ना, दोस्ती तो हर किसी से करनी चाहिए। भाई हम इस सिचुएशन में है कि हम बराबरी का मुकाबला कर सके इस टाइम ईरान से, बराबरी का हम उनसे ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा किस तरह? हमारे पास हर किस्म के वसाइल हैं। तो हमारे पे आधी से ज्यादा आवाम तो भूखी रो रही है। वो भूखी रो तो रही है, लेकिन ये हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है इनकी वजह से है ना। कना मसूमा। करती क्या? मैं हाउसवाइफ। बिल्कुल सही। अच्छा सवाल बेसिकली मेरा है, यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जितने भी मतलब सिख हैं या फिर हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं, वो सब सेफ और खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं, सेफ हैं। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, निस्रन है, और वो माशाल्लाह ठीक है, खुश है यहाँ पर। वो बताती है कि पाकिस्तान में हम लोग सेफ हैं, खुश हैं, उनको इज्जत भी मिलती है, जॉब करते हैं, जॉब के हिसाब से भी उनको इज्जत दी जाती है। किसी के साथ हम क्रिश्चियंस के साथ, हिंदूज के साथ खाना पसंद करते हैं? क्रिश्चियन के साथ खाने में कोई बुराई तो नहीं है वैसे। हिंदू के साथ तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे किसी पैगंबर की औलाद ही नहीं है ना, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो तो हमारे पैगंबर की औलाद है, उन पर तो एक किताब आई हुई है, उनको तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको इज्जत दें। मतलब हिंदू के साथ नहीं खाना चाहिए? हिंदू तो बेदीन लोग हैं।
हाँ जी, ये हिंदुओं को इज्जत देनी चाहिए। बस वो हमारे मुल्क में रहते हैं तो उनकी इज्जत तो बनती है कि हम उनकी इज्जत करें, लेकिन अगर हिंदूज के साथ हिंदूज की मेजोरिटी है वहाँ पर जाके रहें, क्या ख्याल है? ऐसा नहीं, अब इंडिया में भी काफी पाकिस्तान रह रहे हैं तो वो पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब तो नहीं ना करते कि आप निकलें यहाँ से, पाकिस्तान से निकलें यहाँ से, लेकिन नहीं, हमारे वहाँ पर रिलेटिव्स रह रहे हैं वो बताते हैं कि हम सेफ हैं वहाँ पे बहुत, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर। लेकिन हम तो सुनते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। इंडिया में मैं दिल्ली में रह रही हूँ, हमारे रिलेटिव हैं, मेरी मम्मा के दाद के हैं सारे, लेकिन ठीक है, खुश है, हमारी उनसे रोज वीडियो कॉल पे बात होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे देखने वाले तो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई इंडिया के अंदर लोग इतने इतने ज्यादा सेफ है, और यहाँ पर हम 76 साल से मैं भी सुनती आई हूँ कि मुसलमानों का तो भाई कत्लेआम है वहाँ पे, तो जाते जाते रोड पे बच्चियों को मार दिया। किसी जगह पर होता है लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, तो हर जगह पे होता है ना, किसी भी मुल्क चले जाओ एक्सट्रीमिस्ट तो होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी कई जगहों पे ऐसा। हाँ जी, लेकिन हर जगह पर नहीं ऐसा होता। क्या समझते हो वो क्या बताते हैं? आपसे वही पूछ लेते हैं, आपके जो रिश्तेदार है वहाँ पर क्या बताते हैं वो इंडिया के बारे में, दिल्ली के बारे में, तरक्की के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्या बताते हैं? ठीक है, वो उनका कारोबार अपने यहाँ, घर अपने यहाँ के तो, लेकिन ये है कि वो सब मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर उनकी होली आती है तो ये मनाते हैं, अगर इनकी ईद आती है तो वो भी साथ मनाते हैं, ऐसा होना चाहिए। हाँ है, बिल्कुल खुशी का, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन शर्म जो है ना लोग बहुत ज्यादा है, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा। देखो अगर इंडिया की बात करें, आज हम सबको बताएंगे भाई वो हमसे ज्यादा तरक्की कर गया, शायद हमसे ये बात तस्लीम नहीं की जाती कि भाई वो हमसे तरक्की कर गया, इस वजह से भी हम इस चीज को पकड़ के बैठे हैं, नहीं हमने इंडिया से दोस्ती नहीं करनी। क्या ख्याल है आपका? वो लोग चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान आए करने आए। बहुत ज्यादा रोज कहते हैं आप आ जाओ, हम कहते हैं आप आ जाओ, कहते हैं बस ये बस बॉर्डर का मसला है ना, उसकी जैसे नहीं मिल सकते। व्यूअर्स आपने देखा है कि मतलब इनके जुबानी के इनके रिश्तेदार भी जाते हैं, और हमारा भी दिल करता है भाई हिंदुस्तान जाने का, वहाँ पर एक्सप्लोर करने का चीज़ों को, हिंदुस्तान जाके लोगों से मिलने का, हमसे ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पे, इवन मुसलमान ना भी हो तो वैसे ही बड़ा दिल करता है। हम बड़सगिन में एक साथ थे, सोचने वाली बात है ना कि जहाँ हम एक साथ है आज हम उनको देख नहीं सकते। मेरी मम्मा और उनके जो उनसे कज़न है ना, बचपन में इकट्ठा खेलते थे, वो इंडिया जाते थे, वो लोग इंडिया से आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो बस बातें करते हैं एक दूसरे से वीडियो कॉल के ऊपर, और एक दूसरे को अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि काश पहले जैसा होता। एक वीडियो है हमारे यहाँ पे ना, हिंदू लोग थे ना वो माइग्रेट कर गए थे इंडिया, ये ये कहती है कि पाकिस्तान हमारी जो है धरती माँ है, हम वहाँ पे रहे हैं, हम पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वहाँ के लोगों ने हमें कमतर समझा, वहाँ के लोगों ने हमें हमारे हकूक नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान बुरा नहीं है, इनका ये कहना है। क्या समझते हो कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, अब आप जैसे देख ले हमारे यादगार में एक अंग्रेजन आई थी, बाहर के मुल्क से लोग आए थे, उनको डिस्टर्ब किया गया था, ये जो लोग है ना जाहिल टाइप गाँव के, या जिनको घर में इज्जत नहीं मिलती, वो बाहर किसी को इज्जत नहीं देते। जब पाकिस्तान में वाकई ऐसे होते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ ये हो गया, तो भाई बाहर के लोग आना ही नहीं चाहते यहाँ पे, जब वो यहाँ पर नहीं आएंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, फिर कौन सारे कहाँ जाएंगे? इंडिया जाएंगे। इंडिया में ऐसे नहीं है, इंडिया के अंदर जो भी लोग जाता है तो वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल अजाफी दिया जाता है। यहाँ पर हमारे देखो रात के टाइम औरत भी निकल नहीं सकती अकेली, आप मानती हो? बिल्कुल ऐसा ही है। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपको इजाजत है। अभी की जो वहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट है मोदी की, कहा जाता है कि भाई वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, मुसलमानों के साथ उसने बड़ा बुरा किया, क्या आपकी इस बारे में कभी उनसे बात हुई है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है? गालियाँ ही देते हैं सारे उसको, मोदी को। सीरियसली सारे उसको कहते हैं कि इसने जो है ना शर बहुत ज्यादा फैलाया, पाकिस्तान मुसलमानों का और हिंदुओं का, लड़ाइयाँ कराई हैं इसने, कत्ल बहुत करवाए हैं, ये बात तो वाकई है कि गालियाँ देते हैं। उसकी हुकूमत जब से आई है वहाँ पे पाकिस्तान बहुत मुसलमान बहुत शहीद हुए हैं, वहाँ पे बच्चे बच्चे शहीद किए हैं वहाँ पर। लेकिन हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर को क्या खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए बिल्कुल, हमने अपने रिश्तेदारों से मिलना, हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मिलना, तो ये तो एक दफा तो होना चाहिए कि हम अपने जो पुराने हैं उनसे मिल लें, बीच में कुछ फोत हो गया मामू वगैरह, ख्वाहिश रख के मिलने की, तो हम लोग भी उनसे मिलने को तरसते हैं, वो लोग भी हमसे मिलने को परेशान है, तो अगर वो लोग भी हमारे देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हमारा बच्चा बच्चा उनसे मिलना चाहता है, अपने बड़ों से मिलना चाहते हैं हम लोग भी।
बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा है कि भाई कितने तरसे हुए दिल हैं उनके भी और हमारे भी। इसी वजह से हम चाहते हैं कि एक दफा बॉर्डर को रिलीफ दी जाए और शायद हम इसी पर काम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी दोस्ती हो जाए, अमन हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? मोहम्मद सलीम। करते क्या है? मैं वहाँ पर एम्प्लॉई हूँ। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज भी हैं, मतलब इस्लाम में मुसलमान हैं तो माइनॉरिटीज भी हैं, और माइनॉरिटीज को मुकम्मल राइट्स हमारे कायदे ने भी कहा था, हमारे आइन के मुताबिक भी हैं। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं वो सेफ और खुश हैं? जी, मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया देखें आप, तो वहाँ पर चाहे वो क्रिश्चन है, चाहे मुस्लिम है या सिख है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस तनाजर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं हर फील्ड में, तालीम में, मुलाजमतों में, हर जगह उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है। कभी भी हमारे ऑफिशियल लेवल पर हमने किसी माइनॉरिटी को नहीं देखा, हिंदू को नहीं देखा, क्यों? किस जगह में? ऑफिशियल लेवल पे, मतलब सदर हो, मतलब सदर के नीचे हो, पीएम हो, या पीएम चले छोड़े, पीएम तो चले फिर भी बड़ा वो आ जाता है, पीएम के नीचे कितनी भी सीट्स होती है कभी नहीं आया कोई? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप समझती हैं कि हर जुमात वाले जो हैं उनको एक मखसूस नशस्तें हैं जो उनको मिलती हैं, और उस बिहा पे उनको वजारतें भी मिलती हैं, और मेरा ख्याल है कि इनफ है इतना, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो हमारी नस्बत तो बहुत कम है ना। कम है, 27% थी। इधर पीछे आइएगा, इधर से पीछे आइएगा, 27% थी 1947 के बाद, अभी 1% हो गई, तो कहाँ गए लोग? इसमें देखें जी, जो हमारी सियासी जमाते हैं उन्होंने, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो एक कोटा रखा हुआ है उनका, और उस कोटे के लिहाज से तो वो सीटें उनकी बनती हैं, वो उन पे तो कोई और सिलेक्ट होके आ भी नहीं सकता ना। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, एक मिनट। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुस्लिम इंडिया में सेफ है या परेशान है? यार वही कहते हैं ना कि 10 मुंह 10 बातें, अपनी अपनी, सब जिसको पता नहीं होता वो अपनी अपनी करता रहता है, बट ये तो उनके रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं तो वो तो बिल्कुल सही बता रही होंगी जो भी है। तो अच्छा है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे देखें वो हमें अपना समझते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो हमारा दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं कि हम वहाँ रहें और हमें अपना समझते हैं। जब उसने बोला कि अगर कोई उनकी दिवाली आती है या कुछ कोई त्यौहार आता है तो हम ये लोग मना लेते हैं, और जब इनका आता है तो फिर वो लोग मना लेते हैं, तो यार मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह रह रहे हैं, पूरा दिन रहते हैं। जब हम कहीं एक जगह जॉब करते हैं ना, उस बंदे के, मैं यहाँ पर आती हूँ तो आपके साथ पूरा दिन रहते, तो फिर मैं आपके साथ भी बातें ही करूँगी ना, जैसे सुबह से लेकर मुँह बना के थोड़ी बैठूँगी, नहीं यार ये तो हिंदू है या ये मेरी बिरादरी का नहीं है या ये वो। वास्ता हिंदू से पढ़ा है कभी कोई जानने वाले स्कूल कॉलेज से? तो नहीं पढ़ा है, क्रिश्चियन से पढ़ा, बस देखे हैं, बट ठीक है, सलाम दो, बस जरा सी बात हुई एक दो से हुई थी, बाकी इतना कोई वैसा पर्सनली कोई वो नहीं है। क्रिश्चियन वगैरह तो मेरी दोस्त हैं तो उनसे तो पता रहता है। अच्छा, इंडिया में 35 करोड़ मुसलमान हैं, 35 करोड़, पाकिस्तान में टोटल 24-25 करोड़ आबादी है, तो सारे तो वहीं पहुंचे हुए हैं, तो फिर तो वो सेफ है ना वहाँ पे? है तो इतनी तो सेफ है, मोहब्बत से रह रहे हैं, अपना समझ के रह रहे हैं। वो लोग था कि वहाँ पे हिंदू ये कर रहे हैं, पता नहीं यार, ये हमारा मीडिया जो है, ये मीडिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, होता है जैसे यहाँ पे स्नैचिंग होती है, यहाँ पे अपने ही कर रहे हैं स्नैचिंग भी, हमारे अपने ही कर रहे हैं, वो अपनों को ही लूट रहे हैं, पाकिस्तानियों को, तो उनको क्या कहें, अब कहाँ जाएंगे छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के तो हम कहीं नहीं जा सकते ना, तो मतलब कहाँ जाए, तो वहाँ पे भी कहीं ही हुआ होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, किसकी लड़ाई हुई, क्या हुई, क्या नहीं हुई, तो वो ये सब मामला तो उनको ही पता है। देखिए, दो एक कमरे के अंदर जब हस्बैंड वाइफ फ्लैट ले होते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि तीसरे को ना बीच में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ना, हस्बैंड वाइफ के साथ थोड़ी जिंदगी गुजार रहा है वो, ये तो